हम यहाँ पे देखेंगे हमारी इस वीडियो में कि कैसे हम अपने बैकड्रॉप में एक बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, कि कैसे जब एनिमेशन ये दोनों स्प्राइट अपना कम्युनिकेशन करते रहे और साइड बाय साइड ये बैकग्राउंड में आपका म्यूज़िक भी चलता रहे। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? बैकड्रॉप में जाएंगे, अभी फ़िलहाल हम लोग बैकड्रॉप में ही हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर में आपको एक साउंड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो साउंड पे जैसे मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक लिखा हुआ है पॉप करके, ये पूरा एक फंक्शन है एक साउंड को बनाने का, इसमें ऐड करने का। तो जैसे यहाँ पे जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखा है चूज़ अ साउंड करके। तो यहाँ पे एक प्रीलोडेड साउंड है जो आपको स्क्रैच पे पहले से देखने को मिलता है। यहाँ पे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो अगर आप सॉफ्टवेयर पहले से कोई वॉइस अगर अपलोड रखें तो उसको भी आप चूज़ करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं चूज़ अ साउंड में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साउंड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक ऑल में अगर मैं हूँ अभी, तो अगर मैं एनिमल्स में जाता हूँ तो आपको अलग अलग दिखने को मिलेगा। ये एक बा का साउंड है, ये मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये अलग अलग टाइप से आपको साउंड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एनिमल्स का है, इफ़ेक्ट्स के साउंड में मैं अगर जाता हूँ तो आपको अलर्ट का साउंड मिल जाता है, एलियन क्रैक का मिल जाता है, बास्केटबॉल का आपको यहाँ पे, ये देखिए बास्केटबॉल का देखने को मिल जाए, बेल टोल मिल जाएगा आपको, बिंग बोइंग का है, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे आपको साउंड देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे मैं लूप्स में गया, तो लूप्स में ऐसे साउंड होते हैं जो कंटिन्यू आपके बज सकते हैं बैकग्राउंड में, कंटिन्यू ये आवाज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैं चिल में गया, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए ये साउंड आपका यहाँ पे बज रहा है। तो अगर मैं इस साउंड को और थोड़ा सा एट्रैक्टिव बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक फास्टर का दिख रहा होगा यहाँ पे, स्लोअर दिखा, फास्टर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए साउंड आपका थोड़ा सा चेंजेस हो गया। मतलब क्या हुआ, साउंड में और भी स्पीड से ये साउंड प्ले हो रहा है ये, और उसको और फास्टर अगर मैं प्ले करता हूँ तो देखिए ये कैसे चेंज हो गया इसका साउंड। इसको मैं स्लोअर भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा मिलेगा। लाउडर अगर आप बजाना चाहते हैं, यहाँ पे सॉफ्टर का ऑप्शन है, और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। तो जैसे मैं इसको और सॉफ्ट करना चाहता हूँ अपने साउंड को, तो ये देखिए ये जो म्यूज़िक है ये थोड़ा सा सॉफ्टनेस में आपका यहाँ पे बज रहा है। तो अब चलिए चलते हैं वापस से कोडिंग में। तो यहाँ पे हम लोग साउंड्स पे गए, तो साउंड्स पे यहाँ पे अगर आप साउंड्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्ले साउंड चिल अनटिल डन। मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए जो बैकग्राउंड म्यूज़िक हम लोगों ने चूज़ किया था वो कंटिन्यू चल ही रहा है। तो अभी क्या हो गया, ये बंद हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल में जाके एक जो फॉरएवर लूप आप लोगों को पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया, उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कि ये देखिए जैसे मैं इसने फॉरएवर लूप इसमें मैंने लगा दिया, ये कंटिन्यू म्यूज़िक जो है आपके बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है। ये म्यूज़िक आप सुन पा रहे होंगे, ये जो म्यूज़िक है ये कंटिन्यू बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, प्ले हो जा रहा है। मैं इसको आपको एक बार फिर से सबको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए इधर बैकग्राउंड में आपका म्यूज़िक भी बज रहा है, और जो स्प्राइट को हम लोगों ने कमांड वगैरह दिया हुआ है वो कमांड भी फॉलो हो रहा है, और बैकग्राउंड में आपका म्यूज़िक कंटिन्यू बज रहा है। तो आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि कैसे हम अपने स्प्राइट्स में बैकग्राउंड में हम म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, कोई भी म्यूज़िक आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में हम लिप सिंक्रोनाइजिंग के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।